don't forget to click on bell icon to get all latest updates. मिका सिंह एक भारतीय पॉप गायक और रैपर है। उन्होंने कई बंगाली और पंजाबी फिल्मों में भी अपनी आवाज दी है। वो एक बेहद ही लोकप्रिय पंजाबी गायक है। उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में गाने गाए हैं, जिनमें सिंह इज किंग और जब वी मेट भी शामिल है। अमरिक सिंह उर्फ मिका सिंह का जन्म 10 जून 1977 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जिले में हुआ था। उनके पिता अजमेर सिंह चंदन और मां बबीर कौर दोनों ही संगीत का ज्ञान रखते थे। मिका पंजाबी और हिंदी गायक दलेर सिंह मेहंदी के छोटे भाई हैं। घर में संगीत का माहौल होने से मिका बचपन से ही संगीत से जुड़े हैं। उन्होंने बचपन में ही संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। उन्हें तबला, हारमोनियम और गिटार बजाने का बेहद शौक है। मिका ने अपना पहला सोलो एल्बम सावन में लग गई आग 21 साल की उम्र में लॉन्च किया था, जो बेहद ही मशहूर हुआ था। उसके बाद समथिंग समथिंग, इश्क ब्रांडी जैसे गाने गाकर युवा वर्ग का ध्यान अपनी ओर खींचा। मिका ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट से की। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन गाने गाए, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग के क्षेत्र में भी मिका ने हाथ आजमाया है। मिका ने पंजाबी फिल्म रैथ कपूर में माइकल की भूमिका अदा की और हाल ही में फिल्म बलविंदर सिंह फेमस हो गया में बलविंदर का किरदार निभाया। मिका कई टीवी शोज पर बतौर जज नजर आ चुके हैं। फिलहाल मिका एनटीवी पर द वॉइस ऑफ इंडिया में शान, सुनिधि चौहान और हिमेश रेशमिया के संग जज के रूप में नजर आ रहे हैं। मिका फिल्मों में गाने से पहले कीर्तन गाया करते थे। मिका ने हिंदी और पंजाबी के साथ साथ मराठी, बंगाली, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में भी कई गाने गाए हैं। उन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार के लिए भी गाने गाए हैं। उनकी फिल्मी और संगीत करियर काफी अच्छी है, लेकिन मिका से जुड़े बहुत सारे विवाद भी हैं। पहली बार मिका साल 2006 में विवादों में आए थे। उनकी इस कंट्रोवर्सी को आज तक कोई नहीं भूला। खबरों के मुताबिक मिका ने उस समय राखी सावंत को अपनी बर्थडे पार्टी में पकड़कर जबरदस्त किस कर दिया था। इस पर राखी ने काफी हंगामा किया था, जिसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंच गया था। इसके बाद राखी ने मुंबई कोर्ट में मिका के खिलाफ केस दर्ज भी किया था। इसके अलावा मिका थप्पड़ के केस में, विदेशी करेंसी के केस में और हिट एंड रन के केस में भी कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। पर इस सारी कंट्रोवर्सी के बावजूद मिका सिंह आज भी युवा वर्ग में उतने ही फेवरेट हैं और हमेशा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज, प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।